प्यारे बच्चों, मैं प्रमोद कुमार त्रिपाठी, सृजन कोचिंग सेंटर दहियाँ बाजार प्रयागराज से। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न को बताऊंगा। देखिए, 4.3 का जो पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। माने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इन दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, लेकिन उसने एक शर्त और लगा दिया है कि यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे 2x² - 7x + 3 = 0, ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं कि इस द्विघात समीकरण का मूल क्या आवेगा, लेकिन उसमें शर्त लगा दिया है कि किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। और एक शर्त उसमें लगी है कि यदि समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो सबसे पहले तो यहां पर इस बात को जानने की आवश्यकता है कि ये द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व क्या होता है या क्या है। तो देखिए, द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व को समझने के लिए हमें द्विघात समीकरण के द्विविक्तकर को समझना पड़ेगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि यह द्विघात समीकरण का द्विविक्तकर क्या होता है। तो देखिए, राशि b² - 4ac = 0 को द्विघात समीकरण का द्विविक्तकर कहा जाता है। तो यदि किसी द्विघात समीकरणों के द्विविक्तकर का मान 0 हो या कोई धनात्मक संख्या हो तो उस द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर द्विविक्तकर का मान 0 या धनात्मक संख्या नहीं होगी तो उस द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल अगर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है तो पहले हम ये पता कर लें कि इस दिए गए द्विघात समीकरण का के मूलों का अस्तित्व हो रहा है या नहीं। तो अस्तित्व को पता करने के लिए पहले हम इसका द्विविक्तकर निकालेंगे, और द्विविक्तकर क्या है, राशि b² - 4ac = 0 को द्विघात समीकरण का द्विविक्तकर कहते हैं, इसलिए हम सबसे पहले इसका द्विविक्तकर निकाल लेंगे। तो चूंकि द्विविक्तकर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी का मतलब होता है डिस्क्राइमिनेंट, तो डी इसका सूत्र होता है b² - 4ac। तो डी इसका, अब बी का मतलब ये हुआ कि जो द्विघात समीकरण में जो यक्स का गुणांक होता है वो बी का मान है। तो यक्स का गुणांक क्या है, -7, तो -7 का यहां पर वर्ग कर देंगे हम। -4 × a का मतलब ये हुआ कि जो यक्स स्क्वायर का गुणांक है, इंटू सी का मतलब जो है एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक को छोड़ने के बाद जो भी बचता उसे सी का मान है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक को छोड़ दो और एक्स के गुणांक को छोड़ दो तो क्या बचा, 3। तो 3 हमारा हो गया सी का मान। अब देखिए, इसको अगर हल करें तो डी स्क्वायर -7 का वर्ग करने पर 49 आएगा, -4 × 8 = 24, 4 × 8 = 24, तो डी स्क्वायर आ गया 25। डी स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। अब ये जो 25 आ गया ये एक धनात्मक संख्या है, तो अभी देखो मैंने आपको पूर्व में बताया कि यदि d का मान 0 या कोई धनात्मक संख्या हो तो उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। यदि d का मान 0 हो या कोई धनात्मक संख्या हो तो समीकरणों के मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहां पर d का मान चूंकि धनात्मक संख्या आ रही है इसलिए समीकरणों के मूलों का अस्तित्व
होगा। हम यहां पर लिखेंगे चूंकि b का मान धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, संख्या है, इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। तो जब अगर इस दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व बन रहा है तो इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि अब 2x² - 7x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, विधि से समीकरणों के मूल, समीकरण के मूल। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हम समीकरण को नोट कर लेंगे, 2x² - 7x + 3 = 0। तो देखिए द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उस समीकरण में कुछ जोड़ना और घटाना पड़ता है। तो क्या जोड़ने पर या क्या घटाने पर वो दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसको जानने के लिए आपको यक्ष वाले पद को ज्यों का त्यों पहले आप रफ्तार में उतार लेंगे। तो -7x जैसे मैंने उतार लिया, उतारने के बाद क्या करेंगे, बटे में हम 2 कर देंगे, फिर गुणा का चिन्ह नीचे लगाकर जो पहला वाला पद यानी x² वाला पद होगा उसके गुणांक सहित का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो उसका क्या लिखा हुआ है, 2x², तो जब हम 2x² का वर्गमूल निकालेंगे तो √2 × x आएगा, और जब आ जाए तो इतना करने के बाद इसका होल स्क्वायर आपको कर देना है। तो यहां पर x से x कट जाएगा, तो जब इसको हम हल करेंगे तो -7 का वर्ग आएगा 49, और इसका वर्ग तो √2 का वर्ग बनेगा 2, और इसका बनेगा 4, तो 4 × 8, ये बन गया 49/8। यानी इस प्रश्न में 49/8 जोड़ने और घटाने पर ये दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे कि व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 49/8 जोड़ने एवं घटाने पर, घटाने, अब हम दिए गए बहुपद में 49/8 जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो 2x² - 7x + जोड़ने का काम हमें तीसरे नंबर पर करना है। जैसे मैं पहला पद और दूसरा पद उतार लिया, अब हम तीसरे नंबर पर जोड़ देंगे 49/8 जोड़ने का काम। अब इतना ही हमको घटाना ही है, तो घटाते समय एक सावधानी रखनी है कि दिए गए प्रश्न में जो हमने तीसरे नंबर पर पद को छोड़ दिया है पहले उसको लिखेंगे तब घटाएंगे। तो जिस चिन्ह में ये लिखा हो प्लस या माइनस में उसको लिख कर आप उतार लीजिए, फिर -49/8 बराबर क्या भैया 0। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पद हो गए। तो हम क्या करेंगे कि पहले दूसरे और तीसरे पद को हम ज्यों का त्यों पहले उतार लेंगे, पहले दूसरे और तीसरे को। तो हम 2x² - 7x + 49/8 को ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। इसके बाद हम इस वाले पद और इस वाले पद का सरलीकरण कर लेंगे। तो सरलीकरण का मतलब कि 8 * 3 = 24, 24 - 49, तो 49 में से ये 24 घटेगा तो -25 बचेगा, और बटा कितना 8, चूंकि बटे में यहाँ 8 है, बराबर क्या 0। अब देखिए हमारे पास 1, 2, 3 और 4 पद हो गए। जब 4 पद आपके पास बन जाए
तो आपको पहले दूसरे और तीसरे पद का गुणनखंड करना है, पहले दूसरे और तीसरे पद में। तो हम आपको यह बता दें कि जो पहला दूसरा और तीसरा पद होगा भैया, उसमें निश्चित रूप से या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखो यहाँ पर देखो ये और ये, इन तीन पदों में देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक। चूंकि ये जो है ए स्क्वायर का कार्य कर रहा है, ये बी स्क्वायर का कार्य कर रहा है और ये टू ए बी का कार्य कर रहा है, जैसा कि हम शो करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे पहले अगर हम इसका वर्गमूल ले लें तो अंडर रूट टू इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 49 का वर्गमूल 7 बटा 8 का वर्गमूल बनता है 2√2 का होल स्क्वायर। तो बीच में क्या लिखा है, -7x, तो -2 गुणे भाई ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया -2 ए बी, तो -2 गुणे ए का मान √2 इंटू एक्स इंटू 7/2√2। अब आप देखें कि इस 2 से ये 2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो केवल 7x बचेगा जो बीच में लिखा हुआ है। तो अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि पहले दूसरे तीसरे पद में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि पहला पद ए स्क्वायर के रूप में है, दूसरा पद 2ab के रूप में है और तीसरा पद बी स्क्वायर के रूप में है। तो जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर बन रहा है तो अर्थात ये किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। माइनस 25 का क्या होता है वर्गमूल, 5, तो 5 और 8 का वर्गमूल होता है 2√2 का होल स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, इस भी पद का हम वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 8 का वर्गमूल 2√2 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले दूसरे और तीसरे पद को a माइनस बी के रूप में लिख देंगे। तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि √2 इंटू एक्स माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर। जब मैंने इतना लिख दिया तो इतना लिख देने से यहां तक का कार्य समाप्त हो गया। अब आगे क्या है, माइनस 5/√2 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने 7-8 की कक्षाओं में सुने रहे होंगे कि दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह लग दी, दोनों के वर्गमूल को जोड़ घटा कर ले। यहाँ देखो दोनों ये पूर्ण वर्ग के रूप में लिखे हुए हैं, तो दोनों का हमने वर्गमूल निकाल लिया है, केवल एक बार जोड़ कर लिख देना है, एक बार घटा कर, क्योंकि अगर हम इस पूरे पद को a मान ले तो ये a स्क्वायर बनेगा, माइनस इस पूरे को b मान ले तो ये b स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर सूत्र होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक। यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात ये है, जैसे बराबर जीरो यहां कि यहां भी बराबर जीरो चलता रहेगा, अपना बराबर जीरो जो है ये चलता रहेगा, ठीक। तो अब देखिए हमने लिख दिया a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस बी अर्थात a का मान क्या दिया है, √2 इंटू एक्स माइनस 7/2√2, ये पूरा पूरा जो दिया है दोनों पर ये a का मान है, प्लस b का मान हो गया 5/2√2 एक कोष्टक में। फिर अगले कोष्टक में क्या करेंगे, a माइनस बी, तो अर्थात √2 इंटू एक्स माइनस 7/2√2 माइनस 5/2√2 इक्वल कितना भैया, 0, ठीक। अब हम दोनों ब्रैकेट्स में लिखे गए पदों का सरलीकरण कर लेंगे और सरलीकरण करके 0 से तुलना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जैसे पहले पद में ये लिखा हुआ है अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस, अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों का हर बराबर दिया है तो 7 में से 5 हम घटा देंगे तो माइनस कितना आएगा, 2, और बटे में दोनों के हर में से किसी एक को लिखना है, और इनटू, अब इसी तरह अगले में देखिए √2 इनटू एक्स, चूंकि दो आगे के दोनों पद नेगेटिव है, 7/2√2 माइनस 5/2√2, तो वहां दो नेगेटिव है तो माइनस 7/5 12/2√2 इक्वल कितना भैया, 0। अब हम देखेंगे कि दोनों की तुलना 0 से करेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 2/2√2 इस पर 0, तो अगर हम √2 इंटू एक्स बराबर करें तो ये निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा 2/2√2।
कि ये दो से दो आपका कट जाएगा तो एक बचा, तो हमको तो यक्ष बराबर चाहिए, तो यक्ष के बराबर में क्या आ गया, एक बटे रूट दो। ये रूट टू जब यहाँ आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये बन जाएगा एक्स बराबर एक बटे दोनों का गुणा करने पर रूट टू का रूट टू से गुणा करने पर दो आएगा, तो एक्स बराबर एक बटा दो आ गया, ये पहला मूल आ गया। अब दूसरा क्या हो गया भैया, रूट टू इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व अपान टू रूट टू इक्वल जीरो, तो रूट टू इंटू एक्स बराबर ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा बारह बटा टू रूट टू, तो ये दो छन बारह, तो रूट टू इंटू एक्स बराबर छ बटे रूट दो, छ बटे रूट दो। तो अगर हम यक्स बराबर चाहते हैं तो छ बटे रूट दो, ये रूट टू यहाँ नीचे आ जाएगा तो यक्स बराबर छ बटे इसका दोनों बड़ा दो आएगा, दो तिहाई छ, तो यक्स बराबर तीन। तो ये देखिए हमारे दो उत्तर आ गए, पहला उत्तर आ गया एक बटे दो, दूसरा आ गया तीन। तो यक्ष के जो दो ये उत्तर आ गए, यही दो उत्तर इस दिए गए समीकरण के मूल हैं। तो देखिए इसलिए x बराबर आंसर बन गया तीन कामा एक बटा दो, यही इस समीकरण के क्या हो गए, मूल हो गए। तो इस प्रश्न में ध्यान देने की बात ये है कि इन चारों प्रश्न संख्या एक में चार प्रश्न दिए गए हैं, इन चारों प्रश्नों में से जिन जिन समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो उन्हें ही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उनका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप द्विघाता करेंगे, अगर उस द्विघात समीकरण का डी जीरो आ जाए या कोई धनात्मक संख्या आ जाए तब तो समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, और जब अस्तित्व होगा तभी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। और अगर अस्तित्व जो है, अगर d का मान जीरो नहीं आएगा या धनात्मक संख्या नहीं आएगी, मान लीजिए ऋणात्मक संख्या आ गई, तो जानिए कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व नहीं हो रहा है, और जब समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उस द्विघात समीकरणों के मूलों का मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। इसी तरह हम प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या तीन और प्रश्न संख्या चार में भी करेंगे। इस प्रश्न संख्या दो तीन और चार को हम आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। यदि आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे इस चैनल को SCC एजुकेशन दहियावां को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी।